राम राम। मैं देवांशु। आज मैं कोटा से लगभग 90 किलोमीटर दूर मेनाल, जिसे महानाल कहा जाता था पूर्व में, वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसकी सूचना मुझे पहले ही हो गई थी, लेकिन यहाँ तक आने में मुझे कुछ विलंब हुआ। इसे महानालेश्वर, जो कि अब मेनाल का वर्तमान नाम है, लेकिन पूर्व नाम इसका महानालेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर एक विशालकाय झरना है जो कि एक गॉर्ज खाई उसको बांटती है, तो उस वजह से इसे महानाल कहता था। और उसके अधिपति देवता भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, और ये एक अत्यंत ही दिव्य मंदिर है। इसकी भाव यात्रा पर मैं आपको लिए चलूँगा। आप कृपा कर मेरे साथ इस विलक्षण मंदिर की भाव यात्रा में मेरे सहयात्री के रूप में बने रहें। ये आप देख रहे हैं, ये सामने एक मंडप है, लगभग वैसा ही मंडप जैसा कि मैंने बारडोली में देखा था, और उसके पीछे आप शिखर देखते हैं। ये मंदिर अपने निर्माण में भिन्न है। अब तक जो भी मंदिर मैंने देखे, जो शिखर मैंने नागर शैली के देखे, उससे इसकी संरचना अलग है। यहाँ अत्यंत उत्कृष्ट और बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं भी हैं, उनमें से बहुत कुछ तोड़ दी गई हैं, भगवान शिवादि की प्रतिमाएं, लेकिन कुछ सुरक्षित हैं। आप धैर्यपूर्वक इस मंदिर की भाव यात्रा पर बने रहेंगे तो मैं आपको कुछ बातें बतला सकूंगा। यह जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, यह मुखमंडप का हिस्सा है, उसके पीछे उसके बाद अंतराल है, और फिर वह गर्भगृह है जिसके ऊपर वह शिखर उठता है। लेकिन ये जो मंदिर है, इसकी जो संरचना है, वह उस तरह से नहीं है जिस तरह से नागर शैली के अन्य प्रचलित मंदिर होते हैं। यह भूमिजा शैली का मंदिर है। निर्माण भूमिजा शैली के बारे में यह मान्यता है कि परमारों के समय में यह चलन में आई थी, संभवतः उससे पहले भी, लेकिन मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलते हैं। भूमिजा शैली की बात जो है प्रचलित, उसमें यह कहा जाता है कि एक वृत्त जिसके मध्य में एक वर्ग है, वह विभाजित नहीं है, वह रोटेट होता है, ऐसे सर्कल की तरह घूमता रहता है, और धीरे धीरे करके वह ऊपर उठता है। भूमिजा शैली का एक छोटा सा परिचय यही है। इसे मैं गुर्जर प्रतिहार के जो बनवाए हुए मंदिर हैं उससे भिन्न पाता हूँ। आप इसका शिखर देख सकते हैं, आपने मेरे द्वारा दिखलाए गए अन्य मंदिरों को भी देखा होगा, और आप सहजता से अनुभव कर पा रहे होंगे कि इसकी संरचना कतिपय अलग है। ऊपर वैसा ही आमलक अवश्य है, लेकिन यह जिस तरह से शिखर ऊपर उठता है वह अलग है कुछ। यहाँ पर मैं एक शुकनासिका देख पा रहा हूँ। ऐसा मंदिर एक विदिशा के पास उदयपुर एक स्थल है, वहाँ भी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ दीवारों पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, कुछ खंडित हैं, कुछ बची हुई हैं, अग्नि की, ब्रह्मा की, देवियों की, भगवान शिव की। नीचे ये प्रणाल जो मकरमुख के रूप में आप देखते हैं, यहाँ से जल आदि का निकास होता है। नीचे जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान यह किसी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित नहीं है मंदिर, चूँकि भूमिजा शैली का जो मंदिर होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वह भूमि से प्रस्फुटित हुआ है, वह ऐसे प्रकट हुआ और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता चला गया। तो ये अधिष्ठान जो है इसका एक फ्लैट है, फ्लैट प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर से ये मंदिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और अत्यंत ही सुंदर रूप ग्रहण करता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो अधिष्ठान जो निचला हिस्सा है उसमें भी उसकी जो संरचना है वह भी भिन्न है। यहाँ अग्नि की, देवियों की, गंधर्वियों की, यक्षिणियों की, माताओं की प्रतिमाएं, आप बहुत सारी प्रतिमाएं पाते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा भी नृत्य करते हुए, भगवान शिव नटराज मुद्रा में आप देख सकते हैं, त्रिशूल आदि, उनके हाथ में कपाल भी है एक दाहिनी ओर। और यहाँ से धीरे धीरे जब हम मंदिर को देखते हैं तब इसकी शोभा देख करके चकित रह जाते हैं। इसका निर्माण जो है ये 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास, जैसी सूचना मिलती है उसके हिसाब से, ये चौहानों के द्वारा निर्मित मंदिर है। पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था।
और इसके आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया। संयोग से यह जो है बचा हुआ है, यद्यपि क्षतिग्रस्त हो रहा है और इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि आसपास कुछ छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पर कुछ भिन्न प्रतिमाएं मैं देखने को हमें मिलती हैं। शार्दूल आदि की प्रतिमाएं तो होती हैं, नृत्य देवियों की प्रतिमाएं अधिक संख्या में हैं और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं भी हम पाते हैं। भगवान शिव की कुछ विलक्षण प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पर। इसका जो निचला हिस्सा है वहाँ पर गजदलों को पंक्तिबद्ध उकेरा गया है। फिर अन्य भाव मुद्रा की प्रतिमाएं हम देखते हैं, कुछ संवाद करते हुए लोग, कुछ स्त्रियाँ, और जीवन के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं उनको उकेरा गया है यहाँ पर। नृत्य करते हुए लोग, जैसे यहाँ पूजन आदि करते हुए दिखलाया गया है। देखें आप शिवलिंग में ये प्रार्थना में बंधे हुए हाथ हैं, ये गणेश की प्रतिमा है। यहाँ पर छोटी सी देवी की प्रतिमा आप मेरे सामने देख रहे हैं। ऊपर जब हम देखते हैं तब यहाँ जब मुखमंडप का जो निचला हिस्सा, जहाँ हम अभी भीतर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ कुछ कीर्ति मुख हम मेरे सामने आप देख पा रहे हैं। अन्य ये है जैसे गायों की प्रतिमाएं हैं, दुग्धपान करता हुआ बछड़ा उसको दिखाया गया है, कुछ युद्ध करते हुए सैनिक। ऊपर ये भारवाहक की प्रतिमा है और ये अत्यंत ही सुंदर और बड़ा ही कलात्मक मंदिर है। एक भिन्न शैली में निर्मित मंदिर है। ये ब्रह्मा की प्रतिमा आप यहाँ देखते हैं। इसका निर्माण जो है, जो मैंने अभी तक मंदिर देखे नागर शैली के, उससे अलग। हालांकि सभी मंदिरों में कुछ ना कुछ विभिन्नता होती ही है, लेकिन उनका एक शास्त्रीय जो आधार होता है, जिस तरह से उन्हें निर्मित किया जाता है, वह समान रहता है। लेकिन यह जो है अपने रूप में, अपनी संरचना में बहुत अलग है। इसका शिखर मुझे बहुत ही आकृष्ट कर रहा है, क्योंकि इसे जिस तरह से ऊपर छोटे छोटे शिखरों से ऊपर ले जाया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि एक वृत्त जो है और उसके ऊपर वर्ग, वह निरंतर ऐसे घूमता हुआ उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। ऊपर आप शार्दूल की एक प्रतिमा भी देख पा रहे हैं, शिखर से थोड़ा नीचे, और अन्य प्रतिमाएं देखते हैं। इस मंदिर का एक दो तीन वीडियो मैं अलग से और बनाऊंगा, ताकि भीतर से आपको दिखला सकूं और इस विशिष्ट मंदिर से परिचित भी करा सकूं, क्योंकि यह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अन्य जो मंदिर हैं नागर शैली के मध्य और पश्चिम भारत में जो मिलते हैं, उनसे इसकी संरचना अलग है। यहाँ मेरे सामने आप देखते हैं कि यह नंदी मंडप है। नंदी मंडप से ही इस मंदिर का प्रारंभ माना जाना चाहिए। यहाँ नीचे कुछ अत्यंत ही सुंदर कीर्तिमुख का अलंकरण है और कुछ पवित्र प्रतीक चिन्ह आप देखते हैं। नंदी को खंडित किया गया है। आप यहाँ देखते हैं कि पांव जो है वह टूटा हुआ, हालांकि सिर उनका बचा है। यह भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब इसका जो भीतरी हिस्सा है उससे परिचित होते हैं, और उसकी सुंदरता भी मैं आपको अलग से दिखलाने का प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें, ताकि मेनाल के इस विशिष्ट मंदिर को निकट से देख सकें और इसकी जो भव्यता है, इसकी जो दिव्यता है, इसकी जो असाधारणता है, उससे परिचित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।